नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आप जिस प्रकार से हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरी आपसे, आप सभी श्रोताओं से एक अनुमति है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो श्रोताओं, आज का हमारा जो कंटेंट है वो इस प्रकार है कि महाबली भीम की शादी एक धोबी की लड़की से कैसे हुई थी। तो एक समय की बात है श्रोताओं, श्री कृष्ण भगवान और महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन दोनों को जंगल में शाम का वक्त होने लगा। तो श्री कृष्ण भगवान भीम से कहने लगे कि भीम, अभी अंधेरा होने वाला है और हमें घर पहुंचने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा और हमें रात्रि हो सकती है, क्यों ना आज हम इस जंगल में ये कुटिया बनी हुई है इसी की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, घने जंगल में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और भीम उस कुटिया की तरफ जाने लगते हैं, तो भगवान कृष्ण का पैर फिसल करके और एक कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाता है और भगवान श्री कृष्ण उस गड्ढे में जैसे ही गिरते हैं तो उनके कपड़े, जो सुंदर वस्त्र थे, सुंदर वस्त्र मैले हो जाते हैं, कीचड़ में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कीचड़ में सने हुए कपड़ों को देख करके महाबली भीम को एकदम से हंसी आ जाती है और कहने लगते हैं कि हे मधुसूदन, आप तो सारे संसार को देखते हैं और आपको एक गड्ढा नहीं दिखा। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें गिर गया सो गिर गया, ये तो विधि का विधान है कि जो गड्ढा होता है उसमें तो कोई भी गिर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण भीम से कहने लगते हैं कि भीम, मेरे कपड़े तो कीचड़ में हो गए, आप यहीं पर इस कुटिया के पास में ठहरिए और मैं इस नगरी में जाकर के किसी धोबी के यहाँ मेरे कपड़ों को धुलवा करके लाता हूँ। तो भक्तों, श्री कृष्ण भगवान भीम को तो उधर ही रोक देते हैं और स्वयं एक धोबी के घर पर आकर के और धोबी को अपने कपड़ों को दे देते हैं। लेकिन क्या होता है श्रोताओं, भगवान कृष्ण के पास में और दूसरे कपड़े पहनने को नहीं थे, तो उस धोबी ने कहा कि प्रभु, आप मेरे कपड़ों को पहन लीजिए और सुबह तक मैं आपको इन्हें वापस दे दूंगा धो करके। तो भगवान श्री कृष्ण और धोबी के वस्त्रों को पहन करके और भीम के पास में वापस आ जाते हैं और भीम से कहने लगते हैं कि भीम, हम रात्रि को यहाँ गुजार करके और सुबह अपने हस्तिनापुर की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण और भीम विश्राम करते हैं और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वे शाम को जो कपड़े पहने हुए थे उनको भूल जाते हैं कि हमने धोबी के पास में भी धोने के लिए हमारे वस्त्र दिए हैं, और उन कपड़ों को भूल करके भगवान श्री कृष्ण धोबी के वेश में, धोबी के कपड़ों को पहनकर ही भीम के साथ में वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। उधर क्या होता है श्रोताओं, जब भगवान श्री कृष्ण धोबी के पास में वापस कपड़ों को लेने नहीं आता है, तो उधर धोबी के घर में उसके बेटे की शादी थी। तो क्या होता है श्रोताओं, धोबी अपने बेटे की शादी करने के लिए गांव में, सारे गांव में आवाज लगवा देता है, डोली पिटवा देता है कि मेरे बेटे की बारात में सबको चलना है, और बारात की तैयारियां करते हुए धोबी बड़ा प्रसन्न होता है और सभी लोग जो बारात में जा रहे थे वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके सजे हुए थे बारात में जाने के लिए, दूल्हा भी बड़ा शोभायमान नजर आ रहा था। तभी जो वो धोबी था, धोबी का नाम रामफल था,
रामफल धोबी अपने वस्त्र भंडार में जाता है, क्योंकि उसका तो काम था अनेकों राजा महाराजा और बड़े बड़े महापंडितों के कपड़े धोने के लिए। उसके पास में काफी सारे कपड़े पड़े हुए थे। उन कपड़ों में से जब वो छटनी करता है तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जो धोने के लिए कपड़े दिए थे वो अलग ही कांतिमान थे, अलग ही चमक रहे थे, सारे कपड़ों से शोभायमान थे। तो क्या होता है श्रोताओ, वो धोबी जो रामफल धोबी था, उन सारे कपड़ों में से जो श्री कृष्ण ने उन्हें कपड़े दिए थे धोने के लिए, उन कपड़ों को पहन करके और तैयार हो जाता है। कपड़ों को पहन करके इतना कांतिमान नजर आ रहा था रामफल धोबी, मानो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। तो क्या होता है श्रोताओ, जैसे ही उन कपड़ों को पहन करके और धोबी अपने बेटे की बारात को लेकर के और बेटी वाले के घर पर पहुंचता है, तो वहां पर सारी दुनिया जो दूल्हा था उसको तो कम देख रही थी, और जो रामफल धोबी था उसकी तरफ सबकी निगाह थी कि ये कौन है, कोई बहुत बड़े देश का राजा प्रतीत होता है। तो क्या होता है श्रोताओ, सारे लोग बारात की जो चढ़ाई हो रही थी उसका तमाशा देख रहे थे, लेकिन दूल्हे को तो लोग कम देख रहे थे और रामफल धोबी की तरफ सबकी नजर थी। जैसे ही चढ़ाई रास्ते में हो रही थी, उधर से अपने घोड़े पर सवार होकर के और महाबली भीम गुजर रहे थे। तो महाबली भीम इतनी भीड़ भाड़ और बारात के बैंड वालों को देख करके रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई बड़े ही राजा महाराजा की बारात की चढ़ाई हो रही है, इसलिए भीम भी अपने घोड़े को रोक करके और तमाशा देखने लग जाते हैं। क्योंकि श्रोताओ, सारे बाराती बड़े ही धूमधाम से नाच गान कर रहे थे और बड़ी ही प्रसन्नता में सभी लोग नजर आ रहे थे, और सभी जो नगर के लोग थे वो बारातियों के तमाशों को देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर भीड़ लगाए खड़े थे। इसी भीड़ भाड़ को देख करके और महाबली भीम उस तमाशे को जैसे ही देखने के लिए रुकते हैं, तो उनकी नजर एकदम से रामफल धोबी के ऊपर जाती है, और रामफल धोबी को देख करके एक बार तो भीम भी चक्कर में पड़ जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बारात में कैसे पधारे। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, महाबली भीम को पता चलता है कि ये तो श्री कृष्ण नहीं है, ये तो कोई धोबी नजर आता है। तो क्या होता है श्रोताओ, महाबली भीम अपने घोड़े से नीचे उतर के और उसी धोबी के पास में चले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि धोबी, मैं हस्तिनापुर का जो राजा युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का छोटा भाई महाबली भीम हूँ, और मुझे तू ये बात सत्य बता कि तेरे पास में ये कपड़े कहाँ से आए हैं? अगर तूने मुझे सत्य बात नहीं बताई तो मैं तुझे यहीं पर मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तो धोबी हाथ जोड़ करके और भीम के सामने कहने लगता है कि महाराज, कुछ दिन पहले मेरे पास में एक बहुत ही नौजवान युवक आया था, और उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वो बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है, और वह कीचड़ में रख करके और इन कपड़ों को मेरे पास में लाया था। ये कपड़े उस समय पर कीचड़ में सने हुए थे और वो मुझे इन कपड़ों को धोने के लिए दे करके गया था, लेकिन भगवान, मैंने उन्हें 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन बाद मैं आपके कपड़ों को दे दूंगा, और वो महाजन आज तक मेरे पास में कपड़ों को लेने के लिए नहीं आए, इसलिए मैंने ये कपड़े अपने शरीर पर धारण कर लिए। ये बात सुनकर के भीम बड़ा क्रोधित होता है और उससे कहने लगता है कि फिर उस आदमी के पास में कपड़े कहाँ से आए पहनने के लिए। तो हाथ जोड़ करके धोबी कहने लगा कि महाराज, उसके पास में कपड़े जो आए थे वो स्वयं मेरे कपड़े थे, इसलिए मैंने उन कपड़ों को और उन्हें दे दिया और उनके कपड़ों को मैंने पहन लिया। ये बात सुनकर के भीम अपने घोड़े में चाबुक मारता है और सीधा हस्तिनापुर में आकर के और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहने लगता है कि हे भगवान, आप सारे संसार को चलाते हैं और आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी कि आपने एक धोबी के कपड़ों को, एक निकृष्ट जाति के कपड़ों को पहना है और
आपके जो स्वयं के पीतांबर कपड़े थे, जो पीले कपड़े थे, उनको उस धोबी ने धारण कर रखा है और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान नजर आ रहा है। ये बात आपने बहुत गलत की है कि आपने एक धोबी जाति के कपड़ों को अपने शरीर पर धारण किया है। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण उसे लाख समझाते हैं, लेकिन भीम कहां मानने वाला था। अब तो भीम भगवान श्री कृष्ण से बोलचाल बंद कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो सारे राजा महाराजाओं को इकट्ठा करके और एक महासभा कराऊंगा और उनके सामने उनके बीच में ये बात रखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से धोबी के कपड़ों को पहना है। तो क्या होता है श्रोताओं, महाबली भीम अपनी माता कुंती और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर सबको अपने साथ में लेकर के और भारत के सभी जो बड़े बड़े राजा थे उनको अपनी सभा में बुलवाते हैं और सभा में बुलवा करके अपना प्रस्ताव रखते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने एक निकृष्ट जाति के कपड़ों को अपने शरीर पर धारण किया है और इन्हें तो हमारे समाज से अलग कर देना चाहिए। इस बात की सहमति जताते हुए सभी राजा एक हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को समाज से निष्कासित कर देते हैं और उनका बिल्कुल हुक्का पानी बंद करवा देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण जब समाज से निष्कासित हो जाते हैं तो वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद में 25 साल का समय व्यतीत हो जाता है इसी प्रकार से। और एक दिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी एक बड़ा महायज्ञ करवाते हैं और भारत के सभी राजाओं को उस महायज्ञ में आने का निमंत्रण दे देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, स्वयं भीम निमंत्रण को लेकर के और भगवान के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन 25 साल पुरानी बातों को भीम अपने दिमाग में से भूल जाता है। उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने पंचायत करवा करके और भगवान श्री कृष्ण को समाज से निष्कासित करवा रखा है। तो क्या होता है श्रोताओं, भीम बलि सारी बातों को भूल जाता है, क्योंकि भीम को तो अपनी ताकत से मतलब और खाना खाने से मतलब। उन्हें क्या पता 25 साल पहले मेरे और श्री कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप हुए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो अब लीला रचनी थी श्रोताओं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण अब लीला रचते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही महाबली भीम और श्री कृष्ण आपस में बात करते हैं तो उनमें गहरा प्रेम जुड़ जाता है, बीती हुई बातों को भूल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ हो रहा था पांडवों का, उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं भीम के बुलावे पर। तो भगवान की लीला ऐसी होती है जो हलवाईगर होता है, यज्ञ में जो भंडारा लगता है, जो खान पीन बनता है, उस हलवाईगर को जब उन्होंने खाना बनवाने के लिए बुलवाया तो भगवान श्री कृष्ण को भीम और युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान हम यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में खाना बनाने के लिए हलवाईगर की जरूरत पड़ेगी, तो आप और भीम आप जाइए और किसी हलवाईगर को यहाँ पर लेकर के आइए। तो क्या होता है श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला होती है कि दोनों महाबली भीम और भगवान श्री कृष्ण हलवाईगर को बुलाने के लिए और अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि श्रोताओं सारे भारत के राजाओं के लिए निमंत्रण था और बहुत बड़ा हलवाईगर का कार्य था। तो भगवान कृष्ण की ऐसी लीला होती है कि भगवान श्री कृष्ण एक धोबियों की बस्ती बसा देते हैं और समय को वहीं पर रोक देते हैं। उधर जो उन्होंने यज्ञ का कार्य शुरू करवा रखा था पांडवों ने, उस कार्य को वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि भगवान ने समय चक्र को उसी स्थान पर कुछ दिन के लिए रोक दिया था कि समय आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। सारे लोग उसी जगह पर स्तब्ध रह गए, जैसे कोई नहा रहा है तो नहाता हुआ वहीं पर रह गया और कोई बैठा है कुर्सी पर तो बैठा भी वहीं पर रह गया, कोई खड़ा है तो खड़ा ही रहा। समय को रोक करके भगवान श्री कृष्ण भीम को लेकर के चल देते हैं और उधर अपनी माया रूपी शक्ति से धोबियों की बस्ती बसा देते हैं और धोबियों की बस्ती में जैसे ही
भगवान श्री कृष्ण और भीम जाते हैं तो एक धोबी के घर पर कहने लगते हैं कि भैया हमें हलवाईगर की ज़रूरत है और हमारे यज्ञ में आप हलवाईगर का काम कर देंगे तो हम आपको उचित धन देंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, ऐसी बस्ती बसाई कि उसमें सारे ही हलवाईगर थे। तो भीम भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस सारे गांव में सब हलवाईगर हैं क्या। तो वो लोग कहने लगे कि हाँ महाराज, कि इस गांव में सारे ही हलवाईगर हैं। तो भीम और श्री कृष्ण, रात्रि का समय हो जाता है और उसी धोबी के घर में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, रात्रि के समय में जब भोजन करके और श्री कृष्ण भगवान और भीम सोने लगते हैं तो भीम के पास में जो भीम का कक्ष था उसमें धोबी की लड़की सोलह श्रृंगार करके और आ जाती है। भीम उस लड़की को देख करके मोहित हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि यह कन्या इतनी सुंदर है कि हमारे राज्य में मैंने आज तक कोई नहीं देखी। हमारे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री भी अगर इसके सामने खड़ी हो जाए तो वो फीकी लगेंगी। इतनी सुंदर, मुझे तो लगता है कि संसार में इससे सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। और वह लड़की भगवान की लीला के अनुसार भीम के साथ में और नैन मटक का करने लगती है और भीम उस पर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तो आपके प्रेम में पागल सा हो चुका हूँ, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपके लिए मेरे राज्य को भी छोड़ दूंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, भीम उस लड़की की सुंदरता को देख करके बड़ा ही पागल सा हो जाता है, बड़ा ही मोहित हो जाता है और उस लड़की से शादी की बात रख देता है। लड़की भी अपने माता पिता के सामने भीम से शादी करने की बात को रख देती है। तो भीम की सुंदरता को देख करके उसके माता पिता कहने लगते हैं कि हमारी लड़की के लिए इस नौजवान से सुंदर कोई वर दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो हम आपकी शादी हमारी लड़की से करवा देंगे। भीम बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि अब तो उसकी शादी होने वाली थी। तो क्या होता है श्रोताओं, भगवान की लीला के अनुसार धोबी की लड़की और भीम का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। भीम उस लड़की को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के साथ में वापस हस्तिनापुर की तरफ चल देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, वहीं से तो हलवाईगर किया था और वहीं से भीम की शादी उस लड़की के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के अनुसार करवा दी थी। उस लड़की का पिता जो हलवाईगर बनकर के और हस्तिनापुर में आया था, सारे राजा महाराजाओं को उसने भोजन बनाया और सभी को उसने भोजन करा के और भंडारे में भोजन ग्रहण करवाया। सभी भोजन ग्रहण करके कहने लगे कि भंडारे का जो प्रसाद है वह बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और भारत के सभी जो राजा एकत्रित हुए थे उनके सामने एक बार फिर से महासभा बुलवाता है। लेकिन महाबली भीम को भगवान श्री कृष्ण की लीला समझ नहीं आ रही थी। जब सभी राजा महासभा में इकट्ठे हुए और भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ कुंती थी, जो महाबली भीम और पांडवों की माता थी, वो भी उसी स्थान पर सभी राजाओं के समक्ष बैठी हुई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी वे ही राजा हैं जिन्होंने मुझे समाज से निष्कासित किया, तो आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। तो सभी राजा कहने लगे कि भगवान रखिए, क्या बात है कि उस समय पर तो आपने मुझे समाज से निष्कासित कर दिया, लेकिन मैं आज आपको और महाबली भीम को सबको इस समाज से और राज्य से बाहर करने की मांग करता हूँ। तो सभी राजा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि पहले तो महाबली भीम को पूछिए कि कल इन्होंने जो शादी करी है वो किसके साथ में करी है। तो सभी राजा महाबली भीम को पूछने लगते हैं कि आपने शादी करी है। तो भीम कहने लगते हैं कि हाँ करी है, किसके साथ में करी है, उस लड़की की जाति क्या है, उसका पिता कौन है, उसके बारे में हमें आप बताइए। तो सभी राजाओं के आदेश पर महाबली भीम ने उन सभी को उसी नगरी में पहुंचा दिया जहां पर उसने अभी अभी शादी करी थी। तो सभी राजा
उस नगरी का परीक्षण करने लगे तो उन्हें पाया कि ये तो सारी नगरी धोबियों की है और इसमें सभी धोबी रहते हैं। वह जो लड़की थी उसी के पिता ने सबको भोजन करके और भंडारे में खिलाया था। तो सभी राजा इस बात का जब पर्दा उठता है तो अपनी उंगलियों को दांतों नीचे चबा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हे प्रभु, इस जाति पाति का भेद करके और हमने आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है और आज हम हमारी गलती पर पछता रहे हैं। और महाबली भीम उस लड़की से शादी करके और भगवान के पैरों में पड़ जाता है, कहने लगता है कि हे प्रभु, मैंने इस लड़की से शादी तो कर ली है लेकिन ये तो धोबियों की है, मैं इसे राजमहलों में कैसे रखूंगा, आप इसका कोई उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि आपने शादी कर ली है, मैं आप सभी राजाओं के सामने ये बात कहता हूँ कि जाति पाति का भेद ना रख के और इंसानियत का भेद रखना चाहिए। सारे सभी राजा धोबी के हाथ का भोजन करके बैठे हैं और महाबली भीम, जिसने यह पंचायत जुड़वा करके मुझे समाज से निष्कासित किया था, यह स्वयं धोबी की लड़की के साथ में शादी करके और अपना जीवन बिताएगा तो क्या होता है श्रोताओं। इसी प्रकार से सभी राजा भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं क्योंकि वो तो लीलाधर थे, सारे संसार को चलाने वाले थे, उनके सामने कौन रुक सकता है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।